अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एप्सिलॉन वेरिएंट पे बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत सारे और भी वेरिएंट्स के बारे में खुसूसी तौर पे आप सबसे तबसरा किया था, इस बार हम एप्सिलॉन वेरिएंट से पहले बात करेंगे कि हमने अब तक कितने वेरिएंट्स के बारे में बात की। सबसे पहले अल्फा वेरिएंट, जो कि आप सबको पता है कि यूके से ओरिजिन हुआ था। इसके बाद बीटा वेरिएंट, जो कि खुसूसी तौर पर साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट किया था। उसके बाद गामा, जो कि ब्राजील, और फाइनली डेल्टा वेरिएंट, जो कि इंडिया से बहुत डिजास्ट्रियस और मैं कहूँगी मोस्ट ट्रांसमिटेबल वेरिएंट पाया गया था। और आपको पता है कि उस टाइम पे उसने इंडिया पर भी कितने पुरस्कार अपने किए थे। इसके बाद अब जिसकी बात की जा रही है वो है एप्सिलॉन वेरिएंट, और इसे खुसूसी तौर पे कहा जाता है कैलिफोर्नियन वेरिएंट। नाम से ही जाहिर होता है कि कैलिफोर्निया ओरिजिनेटेड है। कहते हैं कि ये लास्ट जुलाई 2020 में जो है वो खुसूसी तौर पे शुरू हुआ था, ओरिजिन हुआ था, और बहुत सारे केसेस डिटेक्ट हुए थे। वहाँ से उसने अपना स्प्रेड यूएस, यूके, हर एरिया और यूरोप को कवर करते हुए अब वो पाकिस्तान में आ चुका है। और क्यों हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ एप्सिलॉन वेरिएंट की वजह से 3000 से ज्यादा जो है वो पेशेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं खुसूसी तौर पर इस वेरिएंट के साथ, और इसमें से 72 न्यू डेथ्स पाई गई हैं। तो आई थिंक आज इस वेरिएंट को इसीलिए कहा जाता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसकी खास वजह यही है कि इसके सिम्टम्स बेशक बहुत हमें शो अप होते हैं, लेकिन इसकी अब तक कोई मैनेजमेंट या फिर कोई, मैं कहूँ बाहर, कि कोई प्रिकॉशन यानी कि वैक्सीन जो है वो आई नहीं है। जो कि हम वैक्सीनेशन अब लगा चुके हैं फर्स्ट सेकेंड डोज, वो इस वेरियंट के खुसूसी तौर पर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो यानी कि मैं ये कहूँ कि अभी तक हम पे खतरा जो है वो लाहक हुआ हुआ है, और बेशक हम जो वैक्सीनेटेड थे, जो दूसरे वेरिएंट से प्रोटेक्टेड हो रहे थे, लेकिन दिस इज द ओनली वेरिएंट जो अब तक अपनी वैक्सीनेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सका है ताकि उसके अगेंस्ट जो है वो रिसर्च कर सके। लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि अब तक हमारी इस पे इन प्रोसेस सारी मॉनिटरिंग, अगर आप कहीं भी देखें रिसर्चेस में है कि मॉनिटरिंग इस पे अब तक चल रही है, तो अब तक इस पे काम किया जा रहा है। अगस्त 2021 में पाकिस्तान के अंदर इसमें से केसेस बहुत सारे जो है वो शुरू हो गए, और अब तक इसकी स्पाइक जो है वो चलती जा रही है। सबसे पहली बात, लोग हमसे बहुत सवाल करते हैं कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे इसे बाकी वेरिएंट से, क्योंकि सबकी ऑलमोस्ट सिम्टम्स सेम ही है। सिर्फ वेरिएंट की जो एक मैं कहूँगी ट्रांसमिटेबिलिटी या फिर जो वायरुलेंस फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, स्पाइक है। और इसके अब तक कहते हैं कि 5 जो है वो अपने म्यूटेंट्स लेकर आ चुका है। तो अगर आपने इसको मालूम करवाना है कि इस पेशेंट के अंदर कौन सा वेरिएंट है, तो हम RT-PCR टेस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो जेनेटिक मॉनिटरिंग की तरफ जाते हैं, और तो जेनेटिक मॉनिटरिंग एक अलग से एक अच्छा टेस्ट भी है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और टाइम के साथ एक एक्सपेंसिव टेस्ट करार दिया गया है। तो इसीलिए हम ये खुसूसी तौर पर कहते हैं कि RT-PCR टेस्ट करवाएं चेक करने के लिए और खुद को महफूज रखें। आखिर में मैं अपनी वीडियो के आप सबको ये पैगाम दूंगी कि बेशक जो भी खतरा जो है हमारे आसपास लाहक हो जाए, चाहे वो कोविड हो, डेंगू हो, मीजल्स हो, रुबेला हो, लेकिन हम सबको मिलकर इससे लड़ना है और अपने आप को महफूज रखना है। तो इसी के साथ मैं आप तमाम से इजाजत चाहूंगी।